नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र यादव YouTube चैनल नॉलेज सेंटर से एक बार फिर आप सभी का दोस्तों स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी थोड़ी देर पहले HSSC JEE का एग्जाम हुआ दोस्तों, उस एग्जाम में हरियाणा जी के बड़े इजी क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि कल की क्लास जो हमने विद्युत ऊर्जा के ऊपर की थी, वहीं से क्वेश्चन पूछा था। राजीव गांधी तापीय विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ है, तो हमने बताया था खेदड़ और हिसार के अंदर है। खेदड़ हिसार के अंदर है भाई। तो हम वो पेपर सोल्व करते हैं दोस्तों, क्या कुछ पूछा है उसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है कि हरियाणा को पहले किस नाम से जाना गया? ऑप्शन में है भरमावर, जय भारत, भारतवर्ष या भरमावर। हरियाणा को क्या कहा जाता था दोस्तों? भरमावर कहा जाता था। पहला क्वेश्चन ये पूछा उन्होंने। उसके बाद पूछा है, हरियाणा एक प्रत्येक राज्य के रूप में खालिस्तान में अस्तित्व हुआ, यानी कि हरियाणा कब बना? पूछना यही चाह रहा है कि हरियाणा कब बना। क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि हरियाणा एक प्रत्येक राज्य के रूप में खालिस्तान को अस्तित्व में आया, तो हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया था, जब पंजाब से इनको अलग किया गया था। उस समय हमारे हरियाणा के 7 जिले बनाए गए थे, जो कि हमने अपनी क्लास में आपको बताया है दोस्तों। आगे पूछा इसने, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय खालिस्तान में स्थित है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ये पूछा है। ऑप्शन में दिया है करनाल, हिसार, रेवाड़ी, अंबाला। तो दोस्तों आपको पता है कि आपने IGU यूनिवर्सिटी जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी यानी कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है आपका? रेवाड़ी के अंदर है दोस्तों। अगर रेवाड़ी जिला है, अगर प्रॉपर जगह पूछ ली जाती दोस्तों, वो क्या आती? मीरपुर गाँव है। कहाँ है? मीरपुर गांव के अंदर, रेवाड़ी के अंदर IGU है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, महाराजा अग्रसेन ने खालिस्तान गणराज्य पर शासन किया। महाराजा अग्रसेन ने खालिस्तान गणराज्य पर शासन किया, तो वो कौन सा था भाई? अग्रोह गणराज्य। महाराजा अग्रसेन जो थे वो कौन से, कहां से संबंधित थे? वो अग्रोहा से संबंधित थे, तो वही उन्होंने अग्रोहा जो गणराज्य था वहां पर शासन किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है, यमुना नदी यमुना नगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती है। ये मैदान दो भागों में बटे होते हैं, उत्तर भाग को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा दोस्तों। यमुना नदी यानी कि ये बाढ़ के मैदान वो होते हैं जहां पे हर साल पानी चढ़ जाता है, जहां पे हर साल पानी चढ़ जाता है, तो उन मैदानों को कहा जाता है दोस्तों खादर। उन मैदानों को क्या कहा जाता है? खादर। ये वो मैदान है जहां पे हर साल जब पानी का टाइम होता है यानी कि बरसाती जब मौसम होता है तो इन नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ने के कारण इनके किनारों के ऊपर बाढ़ आ जाती है और उस मैदान को क्या कहा जाता है? खादर मैदान कहा जाता है। और इस मैदान में नई रेत पाई जाती है क्योंकि हर साल यहाँ पे एक नई रेत की परत जमा हो जाती है दोस्तों। आगे पूछा है, राज्य में बहने वाली मुख्य नदी है, राज्य में बहने वाली जो मुख्य नदी है हमारे हरियाणा में, तो वो कौन सी नदी है? ऑप्शन में है गंगा, यमुना, सरस्वती, द्वस्वती। तो हमारी जो प्रमुख जो नदी है, जो 12 मास बहने वाली नदी जिसको कहा जाता है, वो कौन सी नदी है दोस्तों? यमुना नदी है। कौन सी नदी आती है? वो यमुना नदी आती है, जो 12 मासी नदी है। आगे क्वेश्चन पूछा है, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये हमने पढ़ा था मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अरुणा नदी है मारकंडा का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन पूछा है इसने, हरियाणा के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? हरियाणा के किस जिले में, जब हमने मैग्नीज की क्लास करवाई दोस्तों हरियाणा जीके भूपेंद्र यादव चैनल के ऊपर, तो मैंने कहा था कि मैग्नीज लगभग जितने भी खनिज हैं, यानी कि हम 90% अगर खनिज की बात करें तो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? महेंद्रगढ़ के अंदर। और मैग्नीज भी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? महेंद्रगढ़ में, सॉरी महेंद्रगढ़ में मैग्नीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनों के विकास को बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने अपनी वन नीति की शुरुआत कब की? वन नीति कब बनी भाई? वन नीति
वन नीति 2006 के अंदर आई थी। वन नीति कब आई थी? 2006 के अंदर आई थी। दोस्तों गुरुग्राम जिले का नाम किसके नाम से व्युत्पन्न हुआ? सभी तो सभी को पता है कि गुरुग्राम जिले का जो नाम था वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम से पड़ा था। तो इसमें ऑप्शन में दिया है द्रोणाचार्य, तो गुरुग्राम किसके नाम से पड़ा भाई? द्रोणाचार्य के नाम से पड़ा। गुरुग्राम किसके नाम से पड़ा? गुरु द्रोणाचार्य से उनका नाम पड़ा था गुरुग्राम। आगे पूछा है हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र, हरियाणा में हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? ऑप्शन में दिया यमुनानगर, पंचकुला, रेवाड़ी, नाहर। तो हाथी पुनर्वास जो केंद्र है दोस्तों वो कहाँ है? यमुनानगर में है। कहाँ है? यमुनानगर। हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। अगला क्वेश्चन पूछा नवग्रह कुंड कहाँ स्थित थे? नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी मैंने लिखवाया था, किसको कहा जाता है? जब हमने शहरों के प्राचीन नाम पूछे, सॉरी शहरों के उपनामों की क्लास ली, तो वहां लिखवाया था नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। अगर सीधा पूछे छोटी काशी तो मंदिरों के कारण छोटी काशी किसको कहा जाता है? भिवानी को। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है नवग्रह कुंड कहाँ है? तो नवग्रह कुंड आपके कहाँ है दोस्तों? कैथल में। नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल के अंदर है नवग्रह कुंड। अगला क्वेश्चन इसने पूछा है दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया। मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया, तो उसका आंसर है दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, राय माधवदास, बीरबल, राय मुकुंद दास, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है राय मुकुंद दास। राय मुकुंद दास, ये राय मुकुंद दास है जिन्होंने शाहजहां के दीवान, सॉरी मुगल बादशाह शाहजहां के दीवान खालिस्तान ने नारनौल में एक महल बनवाया। तो महल किसने बनवाया है? राय मुकुंद दास ने बनवाया है दोस्तों। अगला पूछा है कलाम ए नारंग खालिस्तान द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है, ये किसकी कविता है? कमाल, मैं लिख देता हूं यहां पे, कलाम ए नारंग किसके द्वारा लिखित कविता है दोस्तों? ये अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखित कविता है। अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखित कविता है ये। अगला क्वेश्चन वही आया है जो मैंने बात की थी इस क्लास के शुरू में, कल की क्लास में हमने टॉपिक क्वेश्चन करवाया था राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, ये कल की क्लास का टॉपिक है और उसी से क्वेश्चन पूछा राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है। तो ये इसमें ऑप्शन में दिया है खेदड़, कलायत, कुंडरी और बहादुरगढ़। तो ये कहाँ है दोस्तों? खेदड़ में है। खेदड़, और खेदड़ कहाँ पड़ेगा आपका? हिसार जिले में पड़ेगा। खेदड़ कहाँ रहेगा? हिसार में। अगला पूछा है खालिस्तान वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है, खालिस्तान वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है, तो वो वंश कौन सा है? पुष्यभूति वंश को कहा जाता है। पुष्यभूति वंश को क्या कहा जाता है? वर्धन वंश भी कहा जाता है दोस्तों। अगला आया 2017-18 के लिए वित्तीय बजट, हरियाणा के वित्त मंत्री खालिस्तान, हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? कैप्टन अभिमन्यु है। तो 2017-18 का जो हरियाणा का वित्तीय बजट आया वो किसने प्रस्तुत किया? कैप्टन अभिमन्यु ने दिया भाई, कैप्टन अभिमन्यु ने प्रस्तुत किया। अगला पूछा है इंदौरी नदी का उद्भव कहां से है, इंदौरी नदी कहां से निकलती है? तो इंदौरी नदी का नाम तो तभी पड़ा था ना जब वो इंदौर से निकलती थी, उसी कारण को इंदौरी कहा जाता है। ऑप्शन में इसमें इंदौर लिखा है दोस्तों, करनाल लिखा है, कैथल लिखा है, भिवानी लिखा है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इंदौर नामक जगह के निकट से निकलने के कारण इस नदी का नाम क्या पड़ा है? इंदौरी नदी रखा गया है दोस्तों। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे जो पेपर में पूछे हैं हरियाणा जीके से दोस्तों। तो आप इन क्वेश्चंस को आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको टॉपिक्स की डिटेल चाहिए तो हमारी और भी बहुत सी वीडियो है, वो आप हरियाणा जीके बाय उपेंद्र यादव सर में आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। और जय का एग्जाम जिन साथियों ने दिया है उनके बेस्ट ऑफ लक, भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि उनका सिलेक्शन हो। धन्यवाद।